हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अनदर लेक्चर ऑफ योर सॉल्यूशन चैप्टर। सो लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस किया था, हमने आपके वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड के बारे में और सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था। इवन हमने आपके फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया था, जो फैक्टर्स विच अफेक्ट दी वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर के फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमारे तीन पॉइंट्स डिस्कस किए थे हमने कि ये तो एक तो वो डिपेंड नहीं करता है शेप एंड साइज के ऊपर, दूसरी चीज वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस के अंदर। उसमें हमको एक प्रॉपर्टी पता चली थी दैट वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल, राइट। तीसरी चीज जो हमने पता की थी वो ये था, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारा इवापोरेशन इंक्रीज करता है, और इवापोरेशन इंक्रीज करता है उसका मतलब क्या है, हमारा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसका ग्राफ अप्रॉक्सिमेटली कुछ ऐसा ही है, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है बट टेम्परेचर, आई एम नॉट सेइंग दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, जितना ये बढ़ेगा उतना ही वो बढ़ेगा और फिक्स्ड अमाउंट में बढ़ेगा, बट यस इट विल इंक्रीज, राइट। सो हम क्या पढ़ने वाले, हम पढ़ रहे थे आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड। तो हम एक वेपर प्रेशर देख रहे थे, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देख रहे थे जिसके अंदर दो वॉलेटाइल लिक्विड्स डाल के रखे थे। आपको पता है सॉल्यूशन किससे बना होता है, सॉल्यूशन आपका बना होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सॉल्यूट को हम बी मानेंगे एंड सॉल्वेंट को हम ए मानेंगे। इस केस में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड, मीन्स जो आपका सॉल्यूट भी है वो भी लिक्विड है एंड सॉल्वेंट भी है वो भी लिक्विड है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन बन रहा है मतलब सॉलिड है और लिक्विड है मिलके ही सॉल्यूशन बन रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़े हैं, गैसेस गैसेस सॉल्यूशन फेज, सॉलिड गैस लिक्विड लिक्विड लिक्विड, राइट। तो बहुत तरीके से पढ़े। इस केस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो आपका दोनों लिक्विड है एंड दोनों वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, वॉलेटाइल वो है जो कि जिनके पास टेंडेंसी होती है टू इवापोरेट। ठीक है, अब आप ये बताओ वॉलेटाइल कौन होगा, जनरली वॉलेटाइल, वॉलेटाइल के मतलब ही है हैव द टेंडेंसी टू इवापोरेट। तो बेसिकली आपका, यस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यस, तो बेसिकली आपका जो लिक्विड है वही आपका क्या होगा, वॉलेटाइल होगा। ठीक है, वॉलेटाइल होगा जो इवापोरेट हो जाता है। नाउ कम्स द वेपर प्रेशर, ओके। हाँ, मैंने क्या कहा, इसको जैसे मैंने बोला ये सॉल्यूट है आपका एंड ये सॉल्वेंट है, तो अगर आपका प्योर सॉल्वेंट जो सॉल्यूट है उसका प्रेशर को हम क्या मान रहे हैं, हम प्रेशर मान रहे हैं इस पी नॉट को, इस मान रहे हैं, दिस इज दी व्हाट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट बी। मैंने बोला बी हम सॉल्यूट को बोलेंगे एंड सॉल्वेंट को हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो ये पी नॉट बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट प्योर सॉल्यूट, क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, एंड यहां पर पी नॉट ए क्या हो जाएगा आपका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये चीज भी क्लियर हो गई, इसलिए हम ये नोटेशन यूज कर रहे हैं। ये जो पी नॉट करके नोटेशन है वो बेसिकली इंडिकेट क्या करता है, वो इंडिकेट करता है दैट इज दिस इज व्हाट पी इज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस नॉट रिप्रेजेंट द प्योर सॉल्यूट, सॉल्यूट का प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, एंड पी नॉट ए क्या है, the vapor pressure of a pure solvent, किसका, vapor pressure of pure solvent। ठीक है, so अभी समझ में आ गया होगा आपको चीजें अच्छे तरीके से, okay। Now comes the next one, that is volatile plus volatile। अब हमने क्या बोला, मैंने बोला आपका solute, मान लो ये आपका solute है, ठीक है, solute सॉरी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके आपका सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आपका सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके आपका सॉल्यूशन बना रहे हैं। बट इस केस में हमने आपका दोनों लिक्विड ले रखा है और साथ ही साथ जो ये इसके अंदर आपने प्योर बी मतलब प्योर सॉल्यूट ले रखा है, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट ले रखा है। ठीक है, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो भी क्वांटिटी मोर अमाउंट में थी वो सॉल्वेंट होती थी, राइट, और जो भी अमाउंट जो भी क्वांटिटी लेस अमाउंट में होती थी वो क्या होती थी, वो आपकी सॉल्यूट होती थी, क्या होती थी, सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट क्या होता था, सॉल्वेंट आपका वो होता था जो क्वांटिटी मोर होता था वो आपका सॉल्वेंट होता था। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका वॉलेटाइल है, ठीक है, ये भी आपका वॉलेटाइल है, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं आपका, बनाते हैं सॉल्यूशन, क्या बनाते हैं आपका, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं ये दोनों मिला के आपका, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये दोनों मिला के आपके सॉल्यूशन बनाते हैं। सो यस, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, वन मिनट, यस, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने क्या किया, हमने माना है इसके अंदर ये जो आपका ए है जो कि सॉल्वेंट है, ये
इसके जो अंदर है वो क्या है, सिर्फ प्योर लिक्विड ए, सिर्फ लिक्विड ए है, इसके अंदर प्योर लिक्विड बी है, मतलब सिर्फ लिक्विड बी है, और ये क्या है आपका मिक्सचर, मिक्सचर मतलब ये दोनों कंबाइन करके आप दोनों मिल गए, मिलके इसके अंदर ए के भी मॉलिक्यूल आ गए, बी के भी मॉलिक्यूल आ गए, मतलब ये मिक्सचर बन गया, राइट। तो ये सॉल्यूशन बन गया। इसमें जो अब हम इसको, अगर हम इसको हीट करने लगे तो क्या होगा, इसकी जो ये इवेपोरेट होने लगेगा, इवेपोरेट होगा, ये क्लोज कंटेनर है, राइट। तो हम क्लोज कंटेनर और नॉन क्लोज कंटेनर का पहले से आपको पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। यहाँ पर क्लोज कंटेनर और नॉन क्लोज कंटेनर का बता चुके थे, वेपर प्रेशर आपका हमेशा क्लोज कंटेनर में बनेगा, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, आप इसको हीट करने के रख दिया तो इवेपोरेशन होने लगा, इवेपोरेशन होने लगा तो मतलब वेपर बनने लगी, तो वो जो वेपर का प्रेशर होगा उसको हमने पी नॉट ए बोला, किस क्या बोला, पी नॉट ए। तो बेसिकली पी नॉट ए क्या हुआ आपका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, जो प्योर ए मॉलिक्यूल्स के अंदर है उसका वेपर प्रेशर है। सिमिलर वे जो बी है, जो कि सॉल्यूट है आपका, हमने बोला ना आपको सॉल्यूट को हम बी लिखेंगे, सॉल्वेंट को हम ए लेंगे, राइट। सॉल्यूट को हम बी लेंगे, सॉल्वेंट को हम ए लेंगे। अब इसके लिए हमको क्या करना है, ये आपको पता है प्योर बी है, अगेन ये इवेपोरेट होगा तो इसके वेपर पड़ेंगे, तो वेपर का जो प्रेशर है उसको हम पी नॉट बी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम इसको, बोल रहे हैं पी नॉट बी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हाँ यस, पी नॉट बी, दिस इज व्हाट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, क्या हो गया ये, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी हो गया, राइट। ये दोनों कंबाइन करके क्या बना दिए, मिक्सचर बना दिए, और इस मिक्सचर के अंदर अब बताओ, अब क्या होगा, इस मिक्सचर के अंदर अब इसको फिर से आप हीट कर रहे हो तो इसके भी वेपर्स निकलेंगे। इस केस में क्या वो वेपर प्रेशर आप पी नॉट ए लोगे, देखो क्या उस केस में आप जो वेपर प्रेशर लोगे वो पी नॉट ए लोगे, नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे वेपर प्रेशर पी नॉट ए, क्योंकि जब दो चीज आपस में मिल गई है, वन मिनट आई एक्सप्लेन विद, आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। जब कोई आपको चीज मिल चुकी है, फॉर एग्जाम्पल देख लो, जैसे पहले इस केस में क्या था आपका, ये आपका प्योर था तो उसका प्रेशर भी आपका प्योर निकला, ये भी प्योर था, दोनों को मिला दिया तो अब ये प्योर नहीं बना, ये मिक्सचर बन चुका है। अब जो प्रेशर आएगा, तो P जो हम नॉट A लिख रहे हैं, ये मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, या फिर ये बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A बोल सकते हो, या फिर ओनली A बोल सकते हो, बट नाउ यहां पर तो वेपर जो प्रेशर है वो आपका मिक्स हो गया है, मतलब मिक्सचर बन गया है, इसलिए जो यहां पर पी का जो प्रेशर होगा, मतलब जो प्रेशर कंट्रीब्यूट हो रहा है बिकॉज ऑफ ए मॉलिक्यूल की वजह से, उसको हम मानेंगे क्या, पी ए, क्या बोलेंगे, पी ए, और दूसरा जो मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट हो रहा है बी का, उसको बोलेंगे पी बी। एंड ये पी बी एंड पी ए एंड पी बी क्या होगा, ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा, जो कि सॉल्यूशन में अंदर है, प्रेजेंट है मिक्सचर के साथ, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। नाउ अब मैं बोल रही हूं कि जो ये पार्शियल प्रेशर है, जैसे ये जो हमारा कंटेनर था, ये जो पार्शियल प्रेशर है, ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, कितने ए हैं, वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हैं उतने पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं बोल रही हूं ये है पार्शियल प्रेशर, ये प्रपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब कितने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्रेजेंट है, मतलब कितने मोल्स ऑफ ए प्रेजेंट है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, राइट। तो ये एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे डिपेंड करता है, मोर इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज प्रेजेंट, मोर इज द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। एंड जो पी बी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का, वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, या फिर बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है बी के उतना ही ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। और ये एक रिलेशन मिल गई हमको, अभी समझ में आया आपको, इसके बाद ये मिक्सचर का सॉल्यूशन के बाद हमें एक रिलेशनशिप मिल गई, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पता चल गया आपको ये वाला रिलेशनशिप। अब ये दोनों रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, इसी दोनों रिलेशनशिप को कहा जाता है, क्या बोला जाता है, राउल्स लॉ, यही राउल्स ने दिया था लॉ, ठीक है। और इस राउल्स के लॉ को ही स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि समवॉट सिमिलर है, ठीक है, इसको बोला जाता है आपका राउल्स लॉ, ठीक है, राउल्स का बोला जाता है। अब अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड एग्जाम में आपको कभी पूछ लेता है व्हाट इज डिफाइंड राउल्स लॉ, ठीक है, डिफाइंड राउल्स लॉ और ड्राइव इक्वेशन, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, तो अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे उसको आप अप्रोच करोगे, ठीक है। तो राउल्स लॉ पूछा गया, तो आपको सिंपल शब्दों में बताना है, राउल्स लॉ बेसिकली इज नथिंग, इट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर, क्या है आपका, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट
इन अ सोल्यूशन, क्या बोला है, इन ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन के अंदर जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट वो क्या होता है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, एक सोल्यूशन के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. और हमको एक बात पता है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड ए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. ये एक्स ए है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है. सिमिलर वे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. ठीक है, समझ में आ गया होगा. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमको पता करना है ये जो हमने लिखा है, ठीक है, इसकी वैल्यूज के बारे में थोड़ा बहुत पता करना है. तो हम इसमें एक अजम्पशन लेंगे सबसे पहले, ठीक है. हमने मान लिया ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है, इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम हटाना चाहते हैं. आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट रख देते हैं. तो पी ए लिखा हमने इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको हमने मान लिया इक्वेशन वन, ठीक है, इक्वेशन वन मान लिया. अब हमको क्या करना है, हमको पता करनी है इस के की वैल्यू, के की वैल्यू कैसे होगी. ठीक है, तो इस के की वैल्यू को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि लेट अस कंसीडर प्योर ए. हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं प्योर ए, कंसिडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्योर ए कंसिडर कर रहे हैं. प्योर ए कंसिडर करने का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन में बी के मॉलिक्यूल्स और है ही नहीं, राइट. हम कर रहे हैं कंसिडर, लेट अस कंसिडर प्योर ए, प्योर ए इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. मैंने पूरा नहीं लिखा है, अब समझ लो, लेट अस कंसिडर प्योर ए इन द सॉल्यूशन. ठीक है, प्योर ए इन द सॉल्यूशन मतलब जो मोल फ्रैक्शन है सिर्फ ए का ही होगा, बी का तो जीरो होगा. जब सिर्फ ए ही प्रेजेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होगा आपका वन हो जाएगा, राइट, क्लियर. नाउ ये जो हमको वैल्यू मिली दैट इज एक्स बी जीरो एक्स ए वन, राइट. हमको इन वैल्यू को किसमें पुट करते हैं, इक्वेशन वन में पुट करते हैं. इक्वेशन वन में आपका एक्स बी तो है नहीं, एक्स ए है, ए की वैल्यू को वन पुट कर दिया. जब हमने ए की वैल्यू को वन पुट कर दिया, ठीक है, तो हमने जब इक्वेशन वन में पुट कर दिया ये वाली वैल्यू को एक्स ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू को वन पुट कर दिया, तो क्या हुआ, पी ए दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू के वन. इसका मतलब क्या हो गया, प्योर ए मींस, इसका मतलब प्योर ए मींस अब ये के इज इक्वल्स टू वन हो गया, राइट. के इज इक्वल्स टू, मतलब सॉरी, प्योर ए इज इक्वल्स टू के हो गया, क्या हो गया, प्योर ए इज इक्वल्स टू आपका के हो गया, राइट. अब प्योर ए मीन्स, अब आपको मैं बोलूंगी प्योर ए का मतलब क्या है, प्योर ए का मतलब तो यही हुआ कि उसमें कोई पार्शियल, जैसे अभी हम पार्शियल प्रेशर क्यों निकाल रहे थे सॉल्यूशन में, हम पार्शियल प्रेशर इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि हमने ये एज्यूम किया था, मतलब हमारे जो सॉल्यूशन में बी के भी कंपोनेंट थे, पर अब बी के कंपोनेंट है ही नहीं, तो मतलब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो हम निकाल रहे हैं जो कि जिसकी वैल्यू के आ गई है, मतलब इसका मतलब क्या है, प्योर ए मीन्स पार्शियल, ये पी ए ही है, तो पी ए का मतलब क्या है, ये बेसिकली सिर्फ पी ए ही है, पी ए ही, ओनली पी ए ही प्रेजेंट है, मतलब क्या है, यही तो उसका पार्शियल प्रेशर है, राइट. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्योर ए, राइट, पी नॉट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए. इसका मतलब जो के की वैल्यू क्या हुई, के की वैल्यू पी ए थी, तो मतलब के की वैल्यू पी नॉट ए भी हो गई, के की वैल्यू पी नॉट ए हो गई, राइट. अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, फाइनल इक्वेशन दैट इज पी ए इज इक्वल्स टू के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इस इक्वेशन में ये वैल्यू को पुट कर देंगे. देखो आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आ रही होगी समझने में, कभी इसको पुट कर रहे हैं कभी उसको पुट कर रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये रखो, आपकी जो मेन इक्वेशन आई आपने कंसिडर कर लिया कि जो आपका प्योर ए है, ठीक है, कंसिडर कर लिया आपने सोल्यूशन में सिर्फ प्योर ए है. जब कंसिडर कर लिया सोल्यूशन में सिर्फ प्योर ए है, मतलब बी है ही नहीं, बी जीरो हो गया मोल फ्रैक्शन, एक्स का मोल फ्रैक्शन वन हो गया. नाउ हमने इस वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, तो क्या हो गया, के, के इज इक्वल्स टू पी हो गया. अब इधर से हमको क्या पता चला, पी ए बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, राइट. अब पार्शियल प्रेशर जो ए है उसमें और कोई भी तो कंपोनेंट है ही नहीं, तो कहां से पार्शियल प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर ही तो टोटल प्योर ए बन गया, राइट. इसलिए हमने पी की जगह पी नॉट ए लिख दिया, इससे हमको के की वैल्यू मिल गई, के की वैल्यू पी नॉट ए आ गई. ना हमने इसको इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास जो ये इक्वेशन थी दैट इज पी ए इज इक्वल्स टू के एक्स ए, के की वैल्यू आ गई है दैट इज पी नॉट ए, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. सिमिलरली ये आपका पी ए के आ गया, सिमिलरली द सेम वे पी बी के लिए भी इक्वेशन ऐसी ही आ जाएगी दैट इज पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, राइट. पी बी नॉट क्या, एक्स बी, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा. पी बी नॉट एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. सिमिलर वे, सिमिलर तरीके से करना है जैसे हमने किया,
आपको इतना एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, इतना भी आएगा करोगे, यहाँ पे सिमिलरली लिख के भी ये लिख दोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टर्म्स हमने यूज की है वो सब क्या थी, आपको एक और भी चीज पता है, मोल फ्रैक्शन का सम, जितने भी फ्रैक्शन का सम इज इक्वल्स टू वन होता है, राइट, ये तो याद रखो, न्यूमेरिकल में काम आएगा। दूसरी चीज यहाँ पर पी ए एंड पी बी आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी थे, एंड पी नॉट ए एंड पी बी, पी नॉट बी था वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी था, और यू कैन से वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी था। ना एक्स ए एंड एक्स बी क्या था आपका, मोल फ्रैक्शन था ए एंड बी का, क्या था, मोल फ्रैक्शन था ए एंड बी का, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज इतने यहां तक अभी तक समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। नाउ इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने पी ए एंड पी बी निकाल लिया, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाल लिया। जैसे इस सॉल्यूशन में ही हमने बोला प्रेशर कौन कौन सा, दो प्रेशर है, एक तो पी ए है एंड पी बी है, और पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, एंड पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ये हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाल लिया। अगर मैं पूछूं द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मैं पूछूं इस पूरे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या है, तो आप बोलोगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, यही तो डेल्टन्स का लॉ था, राइट, यही तो डेल्टन्स का लॉ था। अगर आपको 11th का थोड़ा बहुत याद होगा तो वही तो डेल्टन्स का लॉ था। डेल्टन ने क्या कहा था, एक सॉल्यूशन में जितने भी गैसेस प्रेजेंट है उन सब गैसेस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर, राइट, जितने भी गैसेस प्रेजेंट है उन सबका पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, उन सबके पार्शियल प्रेशर को एड कर दो और जो रिजल्ट आएगा वही उसका टोटल प्रेशर होगा, यही था डेल्टन का लॉ। अब हमको क्या पता चल गया, हमको ये पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। टोटल मतलब पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए, ठीक है, पी ए प्लस पी बी, ठीक है, पी ए प्लस पी बी, एंड इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा डाल्टन्स लॉ, क्या कहा हमने इसको, हमने इसको कह दिया डाल्टन्स का लॉ कह दिया, ठीक है, डाल्टन का लॉ कह दिया। अब डाल्टन के लॉ के हिसाब से जरूरी नहीं है आपके सिलेबस में, नहीं है, बस मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। डाल्टन के लॉ के हिसाब से क्या होता है, इन अ क्लोज कंटेनर, देखो कंटेनर हमेशा क्लोज होना चाहिए, राइट, टू और मोर गैसेस आर प्रेजेंट, अगर एक क्लोज कंटेनर में, व्हेन इन अ क्लोज कंटेनर टू और मोर गैसेस आर प्रेजेंट, देन द टोटल प्रेशर ऑफ द, देन द टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, ओके, ईच गैसेस और ईच गैस, मतलब व्हेन इन अ क्लोज कंटेनर टू और मोर गैसेस आर प्रेजेंट, जब एक कंटेनर में दो या दो से ज्यादा गैसेस प्रेजेंट हैं, जो टोटल प्रेशर होगा उस कंटेनर का विल बी सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, ठीक है, मतलब पी टी इज इक्वल्स टू, ये जो हमने पार्शियल प्रेशर निकाला था, ये जो वैल्यू निकाली थी, पी ए की वैल्यू ये थी, पी बी की वैल्यू ये थी, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो हमने यहां पर जो हमारा पी टोटल था पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, जो पी नॉट ए है एंड पी नॉट बी है, ये आपके एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑलरेडी है, तो मतलब जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके इसके वैल्यूज लिख के दे दिए जाएंगे कि पी ए एंड पी बी की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड चीज है, क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड चीज है, ओके। नाउ इतना तो हमने डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन, अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और चीजों को और भी अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं और चीजें और भी अच्छी तरीके से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। सो वन मिनट स्टूडेंट्स, ओके, यस, सो दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन, ओके, फर्स्ट इफ, ये क्वेश्चन हम थोड़ा देखेंगे, दो तीन क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपकी और देखो मैं क्वेश्चन से सॉल्व कराती हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग चीजों को लेके और अच्छे से बढ़ जाए, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ करेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा, कॉन्सेप्ट तभी आता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, एंड दैट टू फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, इफ 0.7 ग्राम ऑफ बेंजीन, कितना दे रखा है, 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, एंड 0.92 ग्राम ऑफ टॉलविन, टॉलविन का फॉर्मूला, आपको टॉलविन का स्ट्रक्चर पता होगा, बेंजीन आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, बेंजीन का तो स्ट्रक्चर सबको पता होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब टॉलविन का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो, ठीक है, यही होता है टॉलविन, क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो, दैट इज व्हाट टॉलविन। अब क्या दे रखा है, इफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, एंड 0.92 ग्राम ऑफ टॉलविन, इसका फॉर्मूला C6H5CH3 आर मिक्स्ड,
दोनों मिक्स्ड हो गए हैं, तो पूछा है फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, आपको पूछा है बेंजीन का पार्शियल प्रेशर बताने के लिए। दूसरी चीज पूछी हुई है टोटल वेपर प्रेशर बताने के लिए, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन बताने के लिए मतलब बेंजीन को मान लो अगर हम बी मान रहे हैं स्मॉल फॉर्म में एंड टॉल्विन को टी मान रहे हैं, तो हमको पी बी एंड पी टी बनाना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्विन। एंड हमको टोटल प्रेशर भी बताना है, पी टी इज इक्वल टू पी बी प्लस पी टी, ये बताना है। ये आपके दिमाग में इतनी चीज आ जानी चाहिए, एक तो ये चीज बतानी है, दूसरा ये बताना है, ठीक है, ये बताना है। कैसे बताएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, यहां पर आपको गिवन मास दे रखा है बेंजीन का एंड टॉल्विन का। अब ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे आप ये गिवन मास का यूटिलाइज कर सको? यस, एकदम आराम से। आपको पता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट प्लस टोटल टोटल मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, राइट। सो सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे, हमको हमको क्या करना है, हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालेंगे। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन से भी पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, और यू कैन से मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब देखो बेंजीन यहां पर हमको पता है C6H6 और मास कितना था 12 प्लस हाइड्रोजन 6 मास 1 होता है, तो कैलकुलेट करके 78 आ गया। कितना आ गया, 78 आ गया, 0.78। हमको पता है गिवन मास जो बेंजीन का दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.78। हमने कैलकुलेट किया मोलर मास 78 आया, इन दोनों को हमने जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 0.1 मोल। क्या आया, 0.1 मोल। एनबी मतलब बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। नाउ हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन मिल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्विन, ठीक है। जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्विन कैलकुलेट करेंगे, तभी तो हमारा मोल फ्रैक्शन निकलेगा, राइट। अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्विन को कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्विन मींस गिवन मास ऑफ टॉल्विन या फिर मास टॉल्विन डिवाइड बाय मोलर मास। आपको पता है टॉल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH3। क्या होता है, C6H5CH3। C6 मतलब 6 मल्टीप्लाई 12 क्योंकि 12 होता है मास, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि आपको पता है 1 होता है हाइड्रोजन का, कार्बन का अगेन 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। टोटल सबको सॉल्व करोगे तो 92 आएगा। क्या आएगा, 92 आएगा, करके खुद भी देख लेना एक बार, 92 ही आएगा। सो एनटी मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्विन। सो मास गिवन कितना था टॉल्विन के लिए, टॉल्विन के लिए मास गिवन था 0.9 ग्राम, टॉल्विन के लिए मास गिवन था। तो हमने मास गिवन लिख दिया यहां पर, दैट इज 0.92 डिवाइड बाय मोलर मास कितना आया, 92। इसको सॉल्व किया, एनटी 0.1 आ गया। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल चुका है, आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। आपको दूसरी चीज क्या पूछी थी, आपको फर्स्ट चीज पूछी थी द पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन। आपको पता है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन लिख रहे हैं, तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मल्टीप्लाई विद मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, राइट। प्योर बेंजीन एंड मल्टीप्लाई विद व्हाट, मोल फ्रैक्शन। तो आपको जो ये पी नॉट, मैंने क्या बोलता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रहता है, ठीक है। तो आपको पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज पी नॉट टॉल्विन इज इक्वल टू 200 mmHg। क्या दे रखा है, 200 mmHg, बट पी नॉट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 400 mmHg, ठीक है। ये तो प्रेशर की यूनिट है। तो क्या किया हमने, हमने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन पीबी इज इक्वल टू क्या हुआ, पीबी नॉट एक्सबी। क्या हुआ, पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एंड XB, ठीक है। नाउ दिस PB, आपको पता है PB की वैल्यू हमने पीछे से देख ली है, PB मतलब प्योर बेंजीन का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो क्या है आपका 400 mmHg। तो हमने यहाँ पर 400 की वैल्यू लगा दी, ठीक है, 400। XB यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, XB NB प्लस NT, तो NB की वैल्यू कितनी थी आपकी 0.1, और NB 0.1, NT की वैल्यू 0.1, तो 1/2 आ गया, ठीक है, करेक्ट, 1/2 आ गया। अब हमने क्या किया, पीबी निकाल रहे हैं 400 मल्टीप्लाई एक्सबी की वैल्यू कितनी आ गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। सॉल्व किया, 200 mmHg आ गया। कितना आ गया, 200 mmHg आ गया। नाउ कम्स दी पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्विन। क्या करेंगे हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्विन कैलकुलेट करेंगे, अगेन पीटी इज इक्वल टू पीटी नॉट एक्सटी, राइट। एक्सटी आपका मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मतलब बेंजीन। तो टॉल्विन का 0.1 था, इसका 0.1 अगेन 1/2 आ गया। क्या आ गया, 1/2 आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन आपका 1/2 आ गया। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्विन इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, दिस इज फॉर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्विन।
प्योर टॉलविन आपको अगेन दे रखा है, देखो टॉलविन का पेपर प्रेशर कितना दे रखा था प्योर टॉलविन का 200 mmHg, राइट। हमने यहाँ पर 200 पुट कर दिया, 200, और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलविन का कितना है 1/2, तो 1/2 यहाँ पर डाल दिया और ये सॉल्व किया तो 100 आ गया। तो PB मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 200 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलविन दैट इज 100 mmHg। इतना क्लियर हो गया, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट पूछ रखा है उसमें क्या पूछ रखा है, दैट टोटल प्रेशर, व्हाट इज द टोटल प्रेशर, मैंने आपको बताया था टोटल प्रेशर आपके सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, बेंजीन एंड टॉलविन प्रेजेंट है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलविन। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या निकला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन निकला है 200 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलविन निकला है 100 mmHg। आपको पता है टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है पी टोटल इक्वल्स टू पी बी प्लस पी टी, इस पी बी की जगह हम पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट टी मोल फ्रैक्शन ऑफ टी लिख सकते हैं। हमने अभी आपका ऐसे भी उसको सॉल्व कर सकते थे पी बी की वैल्यू, पर आप अभी तो हमने जस्ट ये वैल्यू निकाली है दैट इज पी नॉट एक्स नॉट, राइट, सॉरी पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सेम ये निकाली है, तो मतलब हमने पी बी एंड पी टी की वैल्यू निकाली है। पी टी की वैल्यू कितनी है आपकी, पी टॉलविन की वैल्यू 100 है एंड बेंजीन की वैल्यू क्या है आपकी 200 है, दोनों मिलाकर टोटल प्रेशर कितना हो गया 200, 100, 300 mmHg, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बातें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अब जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है उसमें हम आपके 2-3 और न्यूमेरिकल्स हैं उसको देख लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो उसको भी देख लेते हैं और जल्दी से जल्दी चीज़ों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग वीडियोज़ और जल्दी से जल्दी वीडियोज़ अपने खत्म कीजिए और अपडेट रखिए अपने आप को। थैंक यू।